नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा चैप्टर समझाना ही मेरा पर्पस रहेगा, क्योंकि लेंथी वीडियोस हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले जो आपको होता है ना, एक रिवीजन पर्पस के लिए जो देखने के लिए बेटर रहेगा, या जिसको कुछ नहीं आता चैप्टर के बारे में, अगर वो पहली बार भी अगर चैप्टर समझना चाहते तो उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ओके, तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा टॉपिक की ओर आते हैं और यहाँ से की करके आप देखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ये सब कीजिएगा जो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहला सवाल आपका ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में पहले ही आपको फर्स्ट पेज में आई गेस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया है, बट डिस्टेंस के बारे में उतने अच्छे से बोला नहीं गया है। बस हम कुछ डिफरेंसेस बता रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप सुन सकते हो। जैसे कि डिस्टेंस जो रहता है ये होता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस जो होता है कोई भी होता है, कहीं से भी आप जाओ, जहाँ पर आप पहुँच जाओगे तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी के पहले पेज में दिया गया है इस चैप्टर का। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि होता है ना, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो रहता है कि हाँ 4 किलोमीटर जाना है, जो वैल्यू रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड रहता है कि हाँ हमको 5 किलोमीटर कवर करना है, हाँ हमको 2 किलोमीटर कवर करना है, तो वैसा चीज़ को आप मैग्नीट्यूड वाली चीज़ों को आप कहते हो मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन जिसमें हो उसको आप लोग कहते हो वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है लेकिन वो रोड ब्लॉक है, तो आप कहीं से भी घूमते 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 वहाँ पहुँच जाओगे, पहुँचने के लिए पहुँच जाओगे लेकिन कितने किलोमीटर में पहुँचोगे आपको नहीं पता, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ओके, तो आपको ये डिफरेंसेस पढ़ लेना है, गूगल में करोगे बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा, तो आप ये पढ़ सकते हो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ के जाइएगा। दूसरा सवाल इसके अंदर यही है, पहले के अंदर दूसरा सवाल यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा मोशन क्या होता है, इतना तो आसान सवाल नहीं पूछेगा, हमको लग रहा है कि डिफाइन मोशन नहीं पूछना चाहिए, फिर भी उसके बाद जो आपको पढ़ना है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बस बहुत सिंपल सा आंसर है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है पर्टिकुलर टाइम में तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आपको कुछ ऐसा यूनिट पढ़ना है, जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो मीटर होता है, स्पीड का क्या होता है, ms-1 होता है, m का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा मीटर होता है, s का मतलब सेकंड होता है, मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का m होता है मतलब मीटर एंड टाइम का सेकंड, तो ms-1 क्यों लगा, क्योंकि जब डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय आप टाइम लिखते हो तो नीचे वाला टाइम जब बाय वाला चीज ऊपर आ जाए तो -1 लग जाता है। ओके, तो ये स्पीड या वेलोसिटी कहो। और एक्सीलरेशन क्या होता है, ms-2 होता है, मतलब सेकंड क्या होता है 2 times हो जाता है, बस ये चीज है। ओके, और इक्वेशंस आपको इस चैप्टर कुछ इक्वेशंस पढ़ना है, जैसे कि कुछ बेसिक इक्वेशन जो आपको इस चैप्टर में दिया गया है वो इक्वेशन पढ़ के जाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v-u/t, तो इस तरह कुछ फॉर्मूला सबको दिया है, उसको फॉर्मूला को या इक्वेशन को आपको ये पढ़ के जाना है। कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है, इस तरह वही पूछ देगा, एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, इसका ये निकालो, इसका वो निकालो, तो इस तरह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में आपको 2 graphical representation दिया है, कन्फर्म एक आएगा, जैसे कि या तो आपको डिस्टेंट टाइम ग्राफ से आप क्या सीखते हो, अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द आउटकम या व्हाट इज द रिजल्ट क्या होता है डिस्टेंट टाइम ग्राफ बनाने से, आप क्या सीखते हो, क्या क्या मिलता क्या है, तो इसका वो आपसे पूछेगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या सीखते हो, क्या बनाया जाता है, ये आपसे पूछेगा। तो इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से एक आपसे पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 3 equations ऑफ मोशन है ना, आपने ओके पढ़ा होगा v = u + at, देन उसके बाद s = ut + ½t² और तीसरा है 2as = v² - u², तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आपको इसका मतलब सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स ये तो कन्फर्म आएगा, कोई ना कोई एक या दो ज़रूर आपको मतलब न्यूमेरिकल्स ही आता है, खास करके इस चैप्टर का मतलब न्यूमेरिकल या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो SI यूनिट, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एंड द लास्ट वन जो चैप्टर पढ़ना था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट पेज है उसके जस्ट अबव वाले पेज में सबसे बॉटम लाइन में लिखा गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। आप तो जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब यही एक सर्कुलर पाथवे में हो तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये था पूरा टॉपिक, हम एक बार लास्ट बार आपको एक चीज़ बता दें, प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आपको SI यूनिट पढ़ के जाना है, न्यूमेरिकल्स बनाना आना चाहिए आपको, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, बस ये तीन चीज़ ओके, SI यूनिट, न्यूमेरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो यहाँ पर लास्ट का कुछ क्वेश्चन, इतना कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।